जेल है तो फिर बेल है, और फिर याद रखिएगा पूरे आदमियों का बहुत बड़ा यहाँ खेल हो। जैसा सी बोले या फिर पुलिस प्रशासन जो पटना में पेपर लीक किया उसको पकड़ने का औकात नहीं है। जो बच्चा लोग आंदोलन करने गया था आप उन पर केस मुकदमे करने का काम करते हैं। यदि हमारी पार्टी से कोई विधायक भी बनतो ना तो 2,72,000 के 25% जितना है तो उतने रख दो, बाकी एगो ट्रस्ट बनाए तो और प्रत्येक प्रखंड वाइज बांट दे तो वीडियो को भी रिकॉर्ड कर ले। और ज्यादा दिन नहीं है, लोकसभा का चुनाव सामने है, हम लोग कोर्ट एफिडेविट में घोषणा करेंगे कि यदि हम लोग चुनाव जीत जाते हैं और जो भी संसद का भत्ता मिलेगा हमको निजी काम के लिए वो जनता के पास जाएगा। कि एक स्टूडेंट जो 10 साल तक परीक्षा की तैयारी करता है लेकिन फाइनली जब उसे निराशा लगती है तो कहीं ना कहीं आज देख सकते हैं इस राज्य में क्या स्थिति बनी है। 8 साल बाद 10 साल बाद एक परीक्षा आता है, परीक्षा लिखने के एक घंटे बाद ही पेपर लीक हो जाता है। इसलिए सर को समझना होगा। अब हम और एक लाइन कहना चाहेंगे, हमने आपको एक बात बताया कि हमारा सांसद कहीं ना कहीं कॉमरेड साहब के जैसा होना चाहिए, लेकिन हाँ और एक बात कहेंगे, हमारा सांसद शहीद सुनील महतो के जैसा भी होना चाहिए जिसने सीने में गोली खाई थी। आज बताइए माननीय पीएम सिंह उनका बेटा बेटी कहाँ आया बताइए, बताइए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो धनबाद के 3 बार ऐसे एमपी हैं, शायद 2 या 3 बार विधायक भी हैं, माननीय श्री पीएम सिंह उनका बेटा बेटी कहाँ है? शायद हाई कोर्ट में अधिवक्ता है या सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है जैसा हमें सूचना मिली है, यानी जहाँ भी है अच्छी जगह में है। आज पता कीजिए माननीय रविंद्र कुमार पांडे उनके बेटे कहाँ है? सब अच्छी जगह है। आज पता कीजिए माननीय यशवंत सिन्हा का बेटा तो खुद एमपी बना है, लेकिन सुनील महतो आज जाके देखिए उनकी 85 साल 95 साल की बूढ़ी माँ आज इस आस में रहती है कि कोई टुसू का मेला लगाएगा उसमें जो चंदा बचेगा उससे मेरा घर चलेगा। सोच के देखिए ये हमारा राज्य है, ये हमारा राज्य है, और हमारे राज्यवासी आप सोच के देखिए आज भी सुनील, अगर मौका मिले कभी जमशेदपुर जाने का एक बार शहीद सुनील महतो के परिवार से मिलिएगा। एक बूढ़ी माँ, एक विकलांग भाई, उनकी पत्नी भी है उनके साथ, उनके माता पिता के उनकी जो माँ है परिवार के साथ नहीं रहती है, खैर उनका वो अपना निजी कारण है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उस परिवार में जो सुनील दा का पुश्तैनी पुरखेनी आवास है उसमें अभी प्लास्टर लगाने वाला कोई नहीं है, उसमें अभी पेंटिंग करने वाला कोई नहीं है। और आज एगो हम लोग सांसद चुनते हैं प्रदेश का आदमी को जो यहाँ कोयला माफिया बनता है, जो करोड़ों का कोयला का कारोबार करता है, जो यहाँ अरबों रुपए कमाता है, जमीने हमारी और कोयला का डीओ ट्रांसपोर्टिंग उनके कब्जे में रहता है, ठेकेदारी उनके कब्जे में रहता है। इसलिए आज मैं यही कहूंगा, अरे मौत तो एक दिन सबको आएगी, झारखंड एक नया करवट ले रहा है, यदि राजनीतिक बदलाव होता है तो राजनीतिक बदलाव कीजिए, अगर कलम से ताकत मिलता है तो कलम से ताकत भरिए, और अगर कुल्हाड़ी उठाने की नौबत आती है तो कुल्हाड़ी उठाइए लेकिन पीछे मत हटिए। नहीं आप बताइए ना, आज लोग कहेंगे कि हम लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, एक बात बताइए भाषण हमने भड़काऊ क्यों दिया? डीसी तमाशा देख रहे हैं, एसडीएम तमाशा देख रहे हैं, हमारी जमीनें दिन ब दिन लुटती जा रही है, अगर डीसी जैसा आदमी तमाशा देखेगा तो बताइए हमें कौन बचाएगा? हम कहां गलत है बताइए? जिनको हम आज गलत लगते हैं 20 साल बाद देखिएगा उनकी क्या स्थिति होगी, खासकर जो कोलफील्ड में रहते हैं, खासकर जो टाउनशिप में रहते हैं, खासकर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट में रहते हैं, आप 20 साल बाद आकिएगा कि आपका जमीन का टुकड़ा गया कहाँ, आपका रोजगार गया कहाँ, आपकी स्थिति गई कहाँ, झाड़ूडी कहाँ है खोजिएगा ना? नहीं है। आप और हम बोलते हैं कि जनाब मां तो भड़काऊ भाषण देता है, कंबाइंड बिल्डिंग के पीछे एक झाड़ूडी गांव था, जाइए गांव को खोज के आइए। अरे भैया आप नहीं समझ रहे, भोले भाले लोग हैं, आप और हम तो पावरोटी निगलते हैं, मतलब हम लोग का गांव निगल गया है, जाइए झाड़ूडी को खोज के आइए। कितना लोग झाड़ूडी का नाम सुने हैं? झाड़ूडी वो गांव था जो आपका कंबाइंड बिल्डिंग से ठीक पीछे, आज एक भी गांव का नाम है
न एक भी आदमी बचा। पर आप और हम, इसलिए पहला लाइन, एक बित्ता जमीन मत बेचिया, एक भी किसी ऐसे नेता को वोट मत दीजिए जो झारखंड की बात नहीं करेगा, क्योंकि आज ही आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है, अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग हम यही कहना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव निर्णायक होगा, 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं निर्णायक होगा। ये चुनाव झारखंडियत को मजबूत करेगा, याद रखिएगा। बाकी सब पार्टी देखिए स्टैंड पूछिए, हमने एक लाइन में कहा है कि झारखंडियत के साथ कोई समझौता नहीं। बाकी सब पार्टी वोट के लिए अपना सुर को बदलता है। हमको बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झारखंड के नहीं है लेकिन उनका वे आपको वोट करेंगे। हम बोले बिल्कुल करें, करने के लिए कौन मना किया है। हमारे लोग भी महाराष्ट्र में जाके ठाकरे लोग को वोट करवे करता है, लेकिन विधायक थोड़ी बनता है। इसलिए ये समय की दरखास्त थी और समय की मांग थी, इसलिए हम आए हैं। नहीं तो एक साधारण सा लड़का यहां तक नहीं आता। एक साधारण सा लड़का जिसको तोपचाची प्रखंड के बाहर कोई नहीं पहचानता था, आज वह यहां तक नहीं आता। यह कहीं ना कहीं समय की मांग है। और जाज जितना भी माया मोसिया तोनियों से कह चाहो कि अपन वोट के वैल्यू के समझिया, आप तोहनियों चर्चा करिया, बहुत चुगली कर ला तोहनियों बैठ के चर्चा करिया, चुगली ढेरे कर ला। आज तो जाके देख ले, हमने गांव घर में जी में तो माए मौसी गिला जैसे एक जगह जमा हो तो डेगचिया राख के तियना पोड़ो है तो पोड़ो और चुगली करे शुरू कर देव। तो अब चर्चा करिया, राजनीतिक बारे सोचिया, एजुकेशन के बारे सोचिया, अपन उन्नति के बारे सोचिया कि राज कैसे आगे बढ़ता है। एक लाइन सीधा जान ले, यह वोट के शक्ति हो जे आज पीएम सिंह के दिल्ली तक पहुंचे ले, ओकर बेटा आज बड़ा बड़ा अधिकारी बन ले। यह वोट के शक्ति हो कि राज सिन्हा आज धनबाद के राजा बन के उठाए रहा लो। और तो देख कहा है कि वोट से ज्यादा ताकतवर कोई ना हो। कहे कि हम जब छोटा सा उदाहरण बार बार देत रही है कि आज ये लिपस्टिक पाउडर लगवा है और असर 2 घंटा रहा है, लेकिन ये वोट के पावर जिंदगी भर रहा है। कैसे पता हो, यदि तो एक अच्छा नेता के वोट दे भी, वो यदि तोर गांव में को बढ़िया कॉलेज खोल लो और तोर बेटा अगर उस कॉलेज में पढ़ के पास करके इंजीनियर बन लो, बताओ जिंदगी भर याद रहते हो कि नहीं। तोरा तब जिंदगी भर याद रहते। तो से खातिर तोनी से निवेदन करबो कि झारखंड के तकदीर के बदले खातिर, झारखंड के तस्वीर के बदले खातिर हमने के एक बार मौका दिया। हमने अपन रक्त के अंतिम बूंद तक, आखिरी सांस तक झारखंडियत के मजबूत करे में अपन जीवन दिए के काम करबो। अब बहुत सारे लोग बोलत रहो कि भाई अगला नेता को दे, आपको क्यों दे और अगला को क्यों ना दे। हम एक लाइन कह देबो, अभी आज के डेट में विधायक के पेमेंट है 2,72,000 रुपया है। यदि हमने पार्टी से कोई विधायक ही बनतो ना तो 2,72,000 के 25% जितना है तो उतने रख दो, बाकी अगर ट्रस्ट बनाए तो और प्रत्येक प्रखंड वाइज बांट दो। बिल्कुल, आप हमारे वीडियो को भी रिकॉर्ड कर ले। और ज्यादा दिन नहीं, लोकसभा का चुनाव सामने है। हम लोग कोर्ट एफिडेविट में घोषणा करेंगे कि यदि हम लोग चुनाव जीत जाते हैं और जो भी संसद का भत्ता मिलेगा हमको निजी काम के लिए, वो जनता के पास जाएगा। हम लोग राष्ट्रपति फंड में नहीं देंगे, क्योंकि आज राष्ट्रपति की क्या गरिमा है आप जानते हैं। आज राष्ट्रपति केवल एक टूलकिट बन के रह गए हैं आज के इस व्यवस्था में। अब आप बोलेंगे कैसे, हम उदाहरण देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग भक्त लोग हैं, थोड़ा भक्त लोग का चश्मा उतारना चाहेंगे। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय संसद का उद्घाटन में क्यों नहीं गई? आज माननीय राष्ट्रपति महोदया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गई, बताइए ना। ना भारत देश के कानून में राष्ट्रपति को पहला नागरिक बोला जाता है, यानी एक प्रोटोकॉल होता है, यदि राष्ट्रपति मैडम वहां जाएंगे तो प्रधानमंत्री को खड़ा रहकर उनका वेलकम करना होगा, और ये हमारे राजा साहब को मंजूर नहीं था।
भले आपको हमारी बात कड़वी लगेगी क्योंकि आप राजा साहब के भक्त हैं, ये सच्चाई है कि राष्ट्रपति मैडम जिस जिस संसद में बैठे भी, संसद किनसे मिलके बनता है? पढ़े लिखे लोग, संसद किनसे मिलके बनता है? संसद तीन चीजों से मिलके बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उद्घाटन में नहीं, क्यों ना? देश का प्रोटोकॉल है, अगर राष्ट्रपति जाएंगे तो प्रधानमंत्री को खड़ा होकर उनका वेलकम करना होगा। और ये राजा साहब को मंजूर नहीं है। भले भक्तों को चिढ़ लग रहा होगा, भले आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी दिमाग से काम लीजिएगा, यही सच्चाई है। चले राम मंदिर धार्मिक चीज है, राष्ट्रपति को आप दूर रखना चाहते हैं, संसद भवन कहने गए भाई? संसद भवन को उद्घाटन में कहने गए राष्ट्रपति? प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों, अरे उतना छोड़िए, 2005 में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया था, उस समय एक मुस्लिम और एक सिख समुदाय के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गए थे, दोनों उद्घाटन में गए थे। सोमनाथ मंदिर में भी राष्ट्रपति गए थे। यानी एक प्रोटोकॉल होता है। देखिए आप हमसे आप चूंकि अगर आप बीजेपी के कट्टर समर्थक के आप हमारी बातों को बुरी लग सकती है, लेकिन घर जब चले जाइएगा दिल से सोचिएगा कि राष्ट्रपति क्यों नहीं गए। एक ही सवाल, क्यों नहीं गए? अगर बीजेपी के कुछ अगर पढ़े लिखे लोग हैं, भले वो डरते हैं, उनसे ईमानदारी से पूछिएगा राष्ट्रपति क्यों नहीं गई। एक ही लाइन था कि अगर राष्ट्रपति जाएंगे तो प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को गुलदस्ता लेके या जो भी है खड़ा होकर उनका वेलकम करना होगा। दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। आप चाहे तो गूगल कीजिए कि भारत का पहला नागरिक कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, पांचवा कौन। अरे पांचवें नंबर तक प्रधानमंत्री नहीं आता है देश में। पहला राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा शायद उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर शायद पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, फिर शायद सभी राज्यों के राजपाल होते हैं, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है। क्योंकि हमें इस विषय में थोड़ा कम अध्ययन किए हैं, लेकिन हमको मालूम है कि शायद टॉप पांच में भी प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। जैसे पंचायत का पहला आदमी कौन है? मुखिया। जिला का पहला कौन है? कलेक्टर। राज्य का कौन है? मुख्यमंत्री, सॉरी राज्यपाल। राज्य का कौन है? राज्यपाल। उसी प्रकार देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ये राजा साहब को इसलिए नहीं बुलाए, आप तो देखते हैं कितना तगड़ा फोटो खींचते हैं। हम ये आलोचना नहीं, हम ये सच्चाई बता रहे। बाकी ऐसा नहीं उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा, किया होगा, अच्छा भी काम किया होगा, लेकिन राष्ट्रपति का नहीं बुलाया जाना यही है कि प्रोटोकॉल में माननीय यशस्वी विश्वगुरु, विश्व विजेता, महान चक्रवर्ती, देवों के देव, देवों नाम प्रियदर्शी, माननीय यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी को खड़ा होना पड़ता, इसीलिए राष्ट्रपति मैडम नहीं बुला गए, दूसरा कोई कारण नहीं। इसीलिए बोलते थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए, चीजों को जानिए। अरे ठीक है, मोदी के विरोधी थोड़ी है, उनकी नीतियों पर बात करते हैं, उनसे हमारी व्यक्तिगत शत्रुता थोड़ी है, और उतनी बड़ी हस्ती से हमारी क्षमता भी नहीं है भाई। तो इसलिए थोड़ा पढ़िए लिखिए, चीजों को समझिए, नहीं तो आने वाले दिन हमारी बहुत दुर्दशा होगी, आने वाले दिन हमारी स्थिति और भी बद से बदतर होगी, जमीनें हमारी इसी प्रकार लूट ली जाएंगी। क्योंकि धीरे धीरे अब कोयला खत्म होगा, धीरे धीरे जब कोयला खत्म होगा तो कोयला माफिया कहां ट्रांसफर होगा? भूमि माफिया में हो गया है ना, ले हो गया है, कोयला माफिया भूमि माफिया में ट्रांसफर हो चुका है। और याद रखिए, माफिया झारखंडी नहीं होता है, परीक्षा माफिया भी नया है। सुने हमारे देवेंद्र दा को धमकी दिया जाता है, तो एक बात कह देंगे, चाहे देवेंद्र दा है चाहे कोई साथी है, अगर किसी परीक्षा माफिया के माध्यम से चोट पहुंचाई गई तो झारखंड के हर एक घर से निर्मल और बिरसा निकलेगा। फिर मत बता, फिर नदियों का पानी का रंग भी बदलेगा और पारसनाथ के पहाड़ के पत्तों का भी रंग बदलेगा। तब हमें गैर कानूनी और असंवैधानिक मत कहिए। कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, जो कड़वी बात है वो बता रहे हैं। कोयला माफिया भू माफिया बन चुके हैं, क्योंकि जमीन में टाका हो, कोयला में लो, कोयला सिराए लग लो, अब जमीन में टाका हो, बालू
अब तोहनी के कैसे बचाना हो, ना बचाना हो समझ ले। सेकातीर अब बहुत भय गले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, बहुत भय गले माननीय राहुल गांधी, अब झारखंडियत पे ही वोट होना चाहिए। तमिलनाडु में अच्छा एक बात बताओ, पश्चिम बंगाल में बंगाल के आदमी यदि एनडीए यूपीए के वोट ना दे है तो कुछ कवाल ले आते जी, हाँ दीदी ने रास्ते बंद कर दे। पश्चिम बंगाल में बंगाल का आदमी सेंटर को नहीं देता है, वो जानता है कि सेंटर वाला पैरासूट वाला है, वो दिल्ली के चश्मे का पूरा भारत देखना चाहता है, संभव है? गाढ़ा डाढ़ा है कहीं, पूरा भारत एक नहीं है, इसीलिए बंगाल का आदमी देखेगा हमेशा स्थानीय पार्टी को देता है। तेलंगाना जाइए, स्थानीय पार्टी